हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए साइंस से रिलेटिव मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जैसा कि आज जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है एड्स, और इस एड्स जो रोग है इससे जुड़ी हुई सभी बातों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यदि वीडियो आपने अंत तक देखोगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन यदि एग्जाम्स में पुटअप होता है तो वो आपके छूटने वाला नहीं है, और आपको दोबारा से कहीं इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम किसको, रोग को जानते हैं कि रोग होता क्या है। रोग पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि एड्स क्या होता है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम जानेंगे कि जो एड्स होता है ये एड्स किस वायरस से होता है। नेक्स्ट, इससे आगे वाला जो चौथा पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि जो एचआईवी वायरस है, ये एचआईवी वायरस यदि बॉडी में प्रवेश कर जाए तो क्या क्या सिम्टम्स दिखने लगते हैं, क्या क्या प्रभाव इफेक्ट पड़ते हैं, तो इसको जानने वाले हैं। नेक्स्ट, इसके बाद पांचवा पॉइंट है, वो पांचवा पॉइंट जानने वाले हैं कि जो एचआईवी वायरस होता है, इस एचआईवी वायरस का संक्रमण किस किस प्रकार से होता है। इसके अलावा इसके आगे का जो पॉइंट है वो जानने वाले हैं क्या कि जो एचआईवी वायरस होता है, इस एचआईवी वायरस को पहचानने के लिए बॉडी में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा हम जानने वाले हैं कि जो एड्स होता है, इस एड्स के उपचार में कौन सी औषधि काम में ली जाती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कौन सी दवाई का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार के पॉइंटों को हम जानने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जानते हैं कि रोग क्या होता है। रोग को पढ़े तो जो रोग होता है इस रोग को व्याधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याधि कहा जाता है। तो रोग जो शब्द होता है, इस रोग शब्द का मूल जो शब्द होता है, मूल शब्द क्या होता है? व्याधा होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं जैसे आपने कहीं टर्म्स का प्रयोग किया होगा बाधा, वो इसी से रिलेटिव है कि जो रोग जो शब्द होता है इसको कहा जाता है क्या, व्याधि। शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो होता है व्याधा होता है। क्या होता है? व्याधा। और जो व्याधा जो शब्द है, इस व्याधा शब्द का अर्थ होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट होता है। अब जैसे इस शब्द को हम रोग में प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ होता है इस व्याधा का कि कौन सा रुकावट, इस रुकावट से इस रोग की परिभाषा बनती है। कैसे बनती है? कि स्वस्थ शरीर में कोई रुकावट आना, स्वस्थ शरीर में कोई रुकावट आना रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। या इसी परिभाषा को एक शॉर्ट और सटीक शब्दों में ऐसे भी जान सकते हैं कि मानव शरीर में विकार उत्पन्न होना व्याधा कहलाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। अब आपने शुरू में क्या जाना, हम सबसे पहले स्टार्ट की थी किसको, कि रोग क्या होता है। उसमें मैंने आपको ऐसे कहा कि जो रोग होता है इसको हम व्याधि भी कह सकते हैं, और व्याधि जो शब्द होता है इसका मूल अर्थ निकल के आता है किससे, व्याधा से निकल के आता है। फिर नेक्स्ट हमने जाना कि व्याधा का अर्थ क्या होता है, रुकावट आता है, और इस रुकावट से रोग की परिभाषा बनती है। कैसे बनती है? कि स्वस्थ शरीर में कोई रुकावट आना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। फिर मैंने आपको लास्ट टर्म्स में ऐसे बताया कि शॉर्ट एंड सटीक शब्दों में आप रोग की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि मानव जो स्वास्थ्य हो गया या स्वस्थ जो शरीर हो गया उसमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न होना क्या कहलाता है? रोग, डिजीज कहलाता है। अब इन डिजीजों में ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ रोग तो ऐसे होते हैं वो जीवाणु जनित होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं वो विषाणु जनित होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, और कुछ ऐसे रोग होते हैं वो कवक जनित होते हैं, कवक के द्वारा फैलाए जाते हैं। अब यहाँ हम जिस रोग की बात करने वाले हैं वो एक वायरस जनित होता है। विषाणु को वायरस ही कहा जाता है, इसी को कहा जाता है वायरस। जिस रोग की आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं वो है विषाणु जनित, और उसको कहा जाता है एड्स। और बहुत से एग्जाम्स आपने ऐसी देखी होगी वहां एड्स जो रोग होता है इससे रिलेटिव छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने एग्जाम्स में देखे होंगे। आगामी जो जिस भी एग्जाम्स में आप बैठने वाले हो
वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स लगे हुए हैं, जैसे कि एनटीपीसी के लगा था, जेई का लगा था, ग्रुप डी के लगे थे, उनसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस एडस रोग से रिलेटिव आए हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एडस होता है, इस एडस की विस्तार पूर्वक बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें हम किसकी, एडस की। अब जैसे दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है हमारा कौन सा, कि एडस होता क्या है। एडस होता है, इसको हम शॉर्ट एंड सटीक शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि रोगों का समूह होता है। क्या होता है? रोगों का समूह होता है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस एडस रोग में कोई एक रोग नहीं होता है, यह विभिन्न प्रकार के रोगों का एक समूह होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एडस कहा जाता है। और एडस एक किसके द्वारा होने वाली बीमारी है, एक विषाणु या हम कह सकते हैं वायरस जनित बीमारी होती है। चलो आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां से आपने जाना होगा कि रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ जीवाणु जनित होते हैं, कुछ विषाणु जनित होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ जनित होते हैं, कुछ कवक जनित होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं कुछ, जैसे कि आनुवंशिक रोग वगैरह, ऐसे कुछ रोग होते हैं। तो हमें तो आज जानना है किसको, विषाणु जनित को जानना है। और विषाणु जनित में भी किसको जानना है, एडस को जानना है। कि जो एडस होता है, इस एडस को कहा क्या कह सकते हैं, हम रोगों का समूह कह सकते हैं। आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं एडस को। अब स्टार्ट होता है इसका दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ऐसे कहा था कि हम जानेंगे किसको, एडस को, कि एडस क्या होता है। इसमें आपने एक बात तो पढ़ चुके हुआ कि ये रोगों का क्या होता है, समय होता है। इसमें कोई एक रोग नहीं होते हैं, एडस जो रोग से संक्रमित व्यक्ति होता है उसमें कोई एक रोग नहीं होता है, उसमें अनेक रोग पाए जाते हैं। रोगों का क्या होता है, समय होता है। नेक्स्ट, इससे जुड़ी हुई आपने सेकंड बात जानी कि जो एडस होता है, ये एडस विषाणु जनित बीमारी होती है। किस जनित होती है, विषाणु जनित, या हम ऐसे कह सकते हैं ये एक वायरस जनित डिजीज होती है। किसके जनित होती है, वायरस जनित, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी होती है, कौन सी, एडस। अब फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ये बहुत सी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि एडस जो होता है, इस एडस का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम। जैसे कि लास्ट ईयर एनटीपीसी का जो पेपर लगा था, उसमें भी ये बात पूछी गई थी कि एडस का पूरा नाम, ये संक्षिप्त रूप क्या है। तो यहां से आपको क्या जाना है, एडस का पूरा नाम होता है एक्वाइड इम्यूनो डिफिशियंसी, या इसको हम कह सकते हैं डेफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम होता है। क्या जाना आपने इसका पूरा नाम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, किसका पूरा नाम होता है, एड्स का पूरा नाम होता है। और अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि एड्स जो रोग होता है, इस एड्स रोग को फैलाने के लिए जो वायरस होता है, इस वायरस का नाम क्या होता है। तो एडस जिस वायरस के द्वारा फैलाया जाता है या फैलता है, उस वायरस को कहा जाता है एचआईवी वायरस। कौन सा वायरस कहा जाता है, एचआईवी वायरस कहा जाता है। ये भी एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एडस को फैलाने के लिए जो वायरस होता है, उस वायरस का क्या नाम होता है, एचआईवी वायरस होता है। और एचआईवी वायरस की भी पूरी फॉर्म आपको संक्षिप्त रूप, इसका भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एचआईवी का संक्षिप्त रूप कौन सा होता है। तो एचआईवी का जो संक्षिप्त रूप होता है, वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब यहां से आपको दो अलग अलग पॉइंटों का पता चला है, एक तो ऊपर वाले का संक्षिप्त रूप पता रखना है और एक नीचे वाले का संक्षिप्त रूप पूछा पता रखना है आपको, कि एडस का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जबकि मैंने आपको एचआईवी का पूरा नाम क्या बताया, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। दोनों ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आगामी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आने वाले हैं आपके दोबारा। दोनों में से आपको कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है, कभी आपको पूछा जाता है एड्स का पूरा नाम। तो आपने यहां से क्या जाना, आपने शुरू में जाना कि एड्स रोगों का एक समूह होता है और एड्स विषाणु जनित बीमारी होती है। नेक्स्ट बात आपने ऐसी जानी कि एड्स का जो संक्षिप्त रूप होता है, वो होता है कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है।
फिर इसके अलावा हमने ऐसे ऐसे पढ़ा कि एडेस जो होता है वो जिस वायरस के द्वारा फैलता है उसे कहते हैं एचआईवी वायरस। और एचआईवी वायरस का भी पूरा नाम होता है क्या, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। तो यहां से आपको उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का जो पढ़ाया हुआ मैटर वो आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट इससे जुड़ी हुई बातें पढ़ते हैं। यहां से हमारा चौथा पॉइंट स्टार्ट होता है। चौथा पॉइंट मैंने आपको ऐसे बताया था कि जब एचआईवी का संक्रमण होता है तो क्या होता है, या एचआईवी के वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो क्या होता है। अब देखो जहां से आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को आप पढ़े होंगे आप, तो वहां से आपको ब्लड से रिलेटिव बातें पढ़ी होंगी कि ब्लड में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। तो वो ही जुड़ी हुई चीजें हैं इसमें। जो आपके पास जो चौथा पॉइंट है कि एचआईवी वायरस शरीर में प्रवेश करने पर क्या होता है। अब देखो जैसे कि आपने कई सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटिव बातें पढ़ी होंगी, तो वहां आपने ब्लड पढ़ा होगा, और ब्लड में आपने ऐसे पढ़ा होगा कि ब्लड में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक का नाम होता है आरबीसी, सेकंड वाली का नाम होता है डब्ल्यूबीसी, और जो तीसरी वाली होता है उसका नाम होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। अब जैसे कि डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये काम क्या करती है, आरबीसी जो काम करती है वो O2 CO2 का परिवहन करने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी का काम कर बताएं तो डब्ल्यूबीसी बता सकते हैं ये प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, प्रतिरोधकता को बनाए रखती है, को बनाए रखती है। नेक्स्ट जो प्लेटलेट्स होती है इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाने का। क्या काम होता है इसका, रक्त का थक्का बनाने का काम होता है इसका, रक्त का थक्का बनाने का काम होता है। अब बातें करते हैं हम यहां से डब्ल्यूबीसी से रिलेटिव कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये डब्ल्यूबीसी भी दो प्रकार की होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट, एक तो होती है कौन सी, बी लिम्फोसाइट, और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होती है। अब मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई, क्योंकि जैसे ही एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये एचआईवी वायरस अटैक करता है किस पे, टी लिम्फोसाइट पे, और ये एचआईवी वायरस टी लिम्फोसाइट को खा जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एचआईवी वायरस अटैक करता है टी लिम्फोसाइट पे, जिससे टी लिम्फोसाइट क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब जब डब्ल्यूबीसी नष्ट हो जाती है तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या था, प्रतिरोधकता को बनाए रखना, यानी कि हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करना। जब डब्ल्यूबीसी नहीं होगी तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं कौन सी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता। इस प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाएगी तो व्यक्ति की अंत में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहां से आपको क्या जानना है कि जब एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो वो किस पे अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता कम विकसित होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर पड़ जाता है, और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहां से आपने इसे जाना होगा। चलो नेक्स्ट इसके पांचवे पॉइंट की ओर चलते हैं। पांचवे पॉइंट में हमारे को जानना है कि जो एचआईवी वायरस होता है, ये एचआईवी वायरस संक्रमण कैसे होता है, या एडस जो होता है वो किन कारणों से होता है, हम किन छोटी छोटी गलतियों का शिकार होते हैं जिससे एचआईवी वायरस का सामना करना पड़ता है। तो चलो पांचवें पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां से पांचवें पॉइंट में हमारे को पढ़ना है क्या कि एचआईवी वायरस का संक्रमण किन कारणों से होता है। तो विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं, जैसा कि पहला कारण होता है असुरक्षित यौन संबंध के कारण होता है, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण एचआईवी वायरस हो सकता है। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है संक्रमित रक्तदान में अनियमितता, यानी कि ब्लड ट्रांसफर करते समय हमें ध्यान नहीं देना, जैसे कि हम इसी चीज को लिख सकते हैं संक्रमित सुई का प्रयोग करना कि जैसे कि मान लो कि मेरी बॉडी पे कोई इंजेक्शन उपयोग किया गया है
वो ही इंजेक्शन जिसमें सिरिंज लगी हुई थी वो किसी दूसरे व्यक्ति पे उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस सुई जो है वो मेरे ब्लड से संपर्क हो गई कहीं ना कहीं से, और वही ब्लड का संक्रमण यदि किसी दूसरे पे उसका उपयोग किया जाएगा तो ब्लड का कहीं ना कहीं आदान प्रदान होगा उस सुई से, तो वहां हमें HIV वायरस का शिकार होने की संभावना होती है। नेक्स्ट इसका तीसरा पॉइंट होता है अत्यधिक नशीले पदार्थों का सेवन। नशीले पदार्थों का सेवन से HIV वायरस होने का खतरा होता है। और एक नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहां से कुछ नई बातें सीखने को मिलने वाली है। जो इसका चौथा पॉइंट होता है, वो चौथा पॉइंट क्या होता है कि जो टैटू बनाने वाली जो होते हैं, टैटू बनाने, अब जो टैटू बनाया जाता है, जिस सुई से टैटू बनाया जाता है, तो वो जो सुई होती है उसका ब्लड से बार बार संपर्क होता है, और वो अनेक आदमियों में उपयोग किए जाने के कारण हमें वहां दो रोग होने का खतरा होता है। यानी कि टैटू बनाने पे हमें दो रोग होने का शिकार होता है। कौन कौन से? एक तो होता है एडेस रोग का होने का खतरा रहता है, और दूसरा होता है हेपेटाइटिस रोग होने का खतरा होता है। तो यहां से उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों बातें नहीं पता चली होंगी, और ये आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSC में यहां से क्वेश्चंस आया हुआ है कि टैटू बनाने पर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो आपको पता रखना है क्या कि जो टैटू बनाते हैं, जिस सुई का बार बार उपयोग किया जाता है, वो सुई ब्लड से संक्रमित रहती है, और उसका अनेक आदमियों के उपयोग करने के कारण दो रोग होने का खतरा रहता है। तो कौन सा? एडस, और नेक्स्ट होता है हेपेटाइटिस। तो यहां से आपको जानकारी मिली होगी कि टैटू बनाने से दो रोग हो सकते हैं, तो एडस हो सकता है, एक कौन सा हो सकता है? हेपेटाइटिस हो सकता है। चलो नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसका जो छठा पॉइंट होता है, वो मैंने आपको ऐसे कहा था कि जो HIV वायरस होता है, इस HIV वायरस का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है या कौन सा टेस्ट करते हैं। तो HIV वायरस के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं, दोनों ही टेस्टों का पता रखना है। एक तो उपयोग किया जाता है कौन सा टेस्ट? ELISA। कौन सा टेस्ट? ELISA। यहां से NTPC जो रेलवे की विभिन्न कैटेगरी की एग्जाम्स होती हैं, उनमें बहुत बार यहां से क्वेश्चंस आया हुआ है कि ELISA जो टेस्ट होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, या HIV वायरस या एडस में कौन सा टेस्ट करवाते हैं, कौन सा टेस्ट करवाते हैं? ELISA टेस्ट किया जाता है। एक तो किया जाता है कौन सा? ELISA। और जो नेक्स्ट होता है, वो नेक्स्ट होता है कौन सा? वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। कौन सा होता है? वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है। तो इन दोनों का ही आपको पता रखना है कि HIV वायरस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। एक तो किया जाता है ELISA टेस्ट, और दूसरा किया जाता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। अब आपको यहां से एक पॉइंट और पता रखना है, सातवां पॉइंट और पता रखना है। उसमें मैंने आपको इसे कहा था कि एडस के उपचार के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, उसका और पता रखना है आपको यहां से। एडस के उपचार में किस दवा का उपयोग किया जाता है, किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो एडस के उपचार में जिस दवा का उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है जिडोउडीन। क्या कहा जाता है? जिडोउडीन, या हम इसी को कह सकते हैं एजिडोथाइमिडीन, AZTB कहा जा सकता है। और यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि एडस के उपचार में किस दवा का उपयोग किया जाता है, तो दवा कौन सी होती है? जिडोउडीन दवा होती है। यदि वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखा है, तो एडस से रिलेटिव जितनी भी बातें होती हैं, वो मैंने आपको बताई हैं इधर से। और आप उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो के अनुसार एडस से जुड़ी हुई सभी बातों को जान भी पाए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार आपसे दोबारा से मुलाकात करने वाला हूँ। चैनल पे आप अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।